नमस्कार। कल आपको जानकारी होगी कि चिरायू अस्पताल में सरजू भाई 70 वर्षीय, उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से नहीं किए जाने पर उनके ही परिवारजनों द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें सरकार से मांग की गई थी कि जो हमारे पेशेंट हैं, कोरोना का इलाज उनका आयुष्मान कार्ड के द्वारा किया जाए। इसकी जानकारी मुझे लगने के बाद मैंने श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इससे अवगत कराया। श्री सिंधिया जी द्वारा कोरोना पेशेंट के जो परिवार के लोग हैं, जिसमें महेंद्र रघुवंशी जी से फ़ोन पर चर्चा की गई और सारी जानकारी ली गई, और उसके बाद सिंधिया जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि तत्काल इसको आपके जो 2 लाख रुपए जमा हैं उनको वापस भी कराया जाएगा और अस्पताल द्वारा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका इलाज कराया जाएगा। उसी के चलते कल रात्रि में 9 बजे अस्पताल प्रशासन द्वारा 2 लाख रुपए जो जमा किए गए थे वो वापस कर दिए गए, और उसके अलावा उनका इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया है। श्री सिंधिया जी द्वारा ऐसे ही प्रदेश में कई क्षेत्रों में, ग्वालियर चंबल संभाग की बात हो, ऑक्सीजन की बात रही हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात रही हो, या फिर अतिरिक्त बेड लगाने की बात रही हो, सिंधिया जी और हमारी सरकार संपूर्ण रूप से लोगों की मदद कोरोना काल में कर रही है। इसको लेकर भी अति गंभीरता पूर्वक श्री सिंधिया जी द्वारा ठोस निर्णय लिए गए, और प्रभुराम चौधरी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अवगत कराया गया था, जिसके बाद आज सुबह जो है महेंद्र रघुवंशी जो जिनने वीडियो वायरल किया था, उनका फ़ोन मेरे पास आया, जिन्होंने धन्यवाद और आभार जताया है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारी सरकार, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका। इसी प्रकार से कोरोना काल में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कार्यकर्ता हों, नेता हों, मुख्यमंत्री जी हों, सभी लोग इसको लेकर कार्य कर रहे हैं, और हम बहुत आप लोगों को विश्वास जताना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमारी सरकार सचेत है, हमारे सभी नेता इसको लेकर बड़े अति गंभीर हैं, जिसका परिणाम आपके सामने है। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा यहाँ पर उनकी समस्या को सुलझाया गया, और ऐसी कई समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। धन्यवाद।